दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को कहने इमाम से पढ़ाया था। दोस्तों फुल एचपी में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। देखिए आप क्या होता है, एक ऐसा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो एस फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, एस फॉर हो गया मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, परमीएबल का मतलब हो गया परमिट, और परमिट का मतलब होता है अलाउ करना। तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से होकर जाने देता हो, वही आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। इसी को हिंदी बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी का मतलब होता है दोस्त हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है आपका हाफ। जैसे मान लीजिए आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में मतलब ये कंटेनर है आपका, ये आपका बर्तन है, बीच में हम लगा दिए एसपीएम, ये आपका दोस्त एसपीएम मतलब झिल्ली आपका, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब देखिए मामला यहाँ पे लेफ्ट साइड में है ना, सो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अपन चर्चा करता है तुम लोग। अब देखिए मामला यहाँ पे, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी और सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी, अब बीच में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ हम है ना तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से होकर जाने देंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने से होकर जाने नहीं देंगे। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को देखता था, बोलता है कि जा सॉल्यूट जा, तुझसे प्यार नहीं करना। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो नहीं पाता है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बचपन के प्यार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को देख के बोलता है कि आ जाओ, समझा, वो तो बुलाता है, तो बुलाता है तो जाने को है। यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर पास हो गया, और अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हुआ, तो वही आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को खुद से अलाउ करता हूँ, मतलब खुद से जाने देने का इजाजत देता हूँ, वही आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो टू टाइप का, जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट है, ए से हो गया सेमी, बी से परमिएबल और एम से मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया दोस्त आपका दो टाइप का, एक है आपका नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एक है आपका सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका नेचुरल सेमी परमिएबल क्या है, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, वहां का नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। एक है आपका सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसको लेब में बनाया जाता हो, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसको लेब में बनाया जाता हो, मतलब ये तुम्हारा लेबोरेटरी मेथड, ये बनने वाला मेम्ब्रेन को बोलते हैं सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल है आपका एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, एक नेक्स्ट एग्जांपल आपका एनिमल सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल मेम्ब्रेन, एक है आपका वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एक है आपका पिग्स ब्लेडर, पिग्स ब्लेडर समझते हैं आप, जैसे देखिए आप जो यूरिन स्टोर करते हैं इसको यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कवर से घिरा हुआ था, उसी कवर को यहाँ पर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बोला जा रहा है। जैसे हम लोग का स्किन है ना, तो स्किन भी स्किन हमारा है, तो स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं छोटा सा मेम्ब्रेन है, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन है, समझे। उसी तरह मामला अंडा वाला मामला है, आप देखते होंगे कि ये आपका अंडा, तो बाहर का जो लेयर होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, उस लेयर को तोड़िएगा, फिर देखिएगा अंदर में बहुत पतला सा होता है, इसको बहुत छोटा सा रेशा जैसे दिखता है, इसको हद तक कीजिए बहुत पतला दिखता है आपको, देखिए कभी बहुत समझे। वही आपका एक मेम्ब्रेन है दोस्त, एनिमल सेल मेम्ब्रेन, मतलब देखिए सेल है, सेल को कवर करने के लिए जो मेम्ब्रेन लगाया जाता है वही आपका एनिमल सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। अब सिंथेटिक जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको लेब में बनाया जाता है, इसलिए सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लेबोरेटरी मेथड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो बनाया जाता है वो दोस्त आपका पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट
पेपर इसका यूज करते, ये भी क्या करता है दोस्त, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से होकर जाने देने का काम करता है, समझे, इसे काम है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से पास होकर जाने देना। एक और है आपका दोस्त सेलोफेन, सेलोफेन ये भी एक तरह का मेम्ब्रेन ही है, झिल्ली है, ये भी क्या करता है सीपर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से होकर जाने देता है, तो आपका सिंथेटिक सेलोफेन का एग्जांपल हो गया। एक और बहुत फेमस है जिसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड, ये भी आपका दो सिंथेटिक सेमीफेरमेंट के एग्जांपल है, ये भी क्या करता है कि अपने से होकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से होकर जाने कभी भी नहीं देता है, तो वही आपका सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये क्वेश्चन एक नंबर में आया हुआ है, समझे दोस्त, देखिए आप अब बताइए हमको, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ किसको एलाव देता है जाने को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, अपने से कि दूसरे से, अपने से होकर, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से होकर जाने देता हो उसी को क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लैंग्वेज बोलिए, सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउ, विच अलाउ ओनली ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, बट नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू इट, पास थ्रू इट इज नॉन एज, इज नॉन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप नेचुरल सेमी परमेबल, दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल को कहाँ से ऑपरेट करते हैं, प्लांट एनिमल से, सिंथेटिक को कहाँ ऑपरेट करते हैं, लैब में बनाते हैं, इसलिए कौन सा मेथड बोलते हैं, लैबोरेटरी मेथड। नेचुरल सेमीकंडक्टर मेम्ब्रेन का एग्जांपल क्या है, एक मेम्ब्रेन एनिमल सेल मेम्ब्रेन और एक है आपका वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एक आपका पिग्स ब्लैडर, समझे, तो पिग्स ब्लैडर किसको बन जाता है, वहां लिखता था हिंदी में कि मूत्राशय के नली कुछ लिखता है, समझे, मतलब पिग्स वाला है सुगर वाला, तो सुअर जो अपने बॉडी से यूरिन पास करता है वो यूरिन का जो कवर होता है जिस मेम्ब्रेन से ना, उसी मेम्ब्रेन के बारे में जिक्र किया वहां पे, समझा। तो अब देखिए सिंथेटिक मेम्ब्रेन का एग्जांपल क्या है, पार्चमेंट पेपर, दूसरा सेलोफेन, इसको सेलोफोन मत लिखे ना गलत जाएगा, सेलोफेन है, समझे, और एक है आपका कॉपर फेरोसाइनाइड। तो तीनों का काम है दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से होकर जाने देना। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पता है ना कि लेस अमाउंट की मोर अमाउंट, मोर अमाउंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आता तो लेस अमाउंट, और दोनों को मिला देते तो सॉल्यूशन। हाँ, तो नेचुरल सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन है, सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन व्हिच आर ऑब्टेन, व्हिच आर ऑब्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज, इज नोन एज नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which are formed in the lab, in the lab by the chemical modification, by the chemical modification are known as, are known as synthetic semi permeable membrane, synthetic semi permeable membrane। तो आप बताइए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में किसको अलाउ कर रहे हैं जाने का, सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने की इजाजत नहीं देंगे। हाउ मेनी टाइप, टू टाइप, टू टाइप, फर्स्ट टाइप नेचुरल, नेचुरल सेकंड टाइप सिंथेटिक, जिसको प्लांट और एनिमल से ऑपरेट करते हैं वो क्या कहलाता है, उसको नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल, और जिसको लैब में बनाते हैं सिंथेटिक। भैया हाँ भैया, इसका मदद से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्यूट का अलग कर सकते हैं, जैसे हाँ इससे भी हो सकता है, सही बात, हो क्या सकता, हो ही जाता है, ये नहीं होता है, सॉल्वेंट पास हाँ, नहीं हो रहा, सॉल्वेंट हो रहा पास, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास नहीं हो रहा, जैसे हमें प्रॉब्लम पढ़ाया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है वहाँ से ये डिसाइड हम करते थे, रुक जाते भी खराब है दिमाग नहीं काम कर रहा, दिमाग काम देखिए पे नेक्स्ट टॉपिक का आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये आपका क्या चीज, देखिए दोस्त यहाँ पे हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑस्मोसिस एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है दोस्त, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता वो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है, और ऐसा प्रोसेस जो अपने आप नहीं होता वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है, जैसे पानी का पड़ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप है सो हाँ
पानी का पड़ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, अब क्या करें दोस्त, हम पानी को निकाले कुएं से तो रस्सी की मदद से निकाले, तो ये आपका हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अरे यार तुम बीच में नहीं कुछ बोलो। यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू, यहाँ पर पास हो रहा है। हम बोले यार सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर पास हो रहा है तो हम कहाँ से पास करेंगे, तो बोलता है डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बताइए ऑस्मोसिस में कैसा प्रोसेस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन पास हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहां से कहां, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पर आए थे आपको, वहां बताइए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा कि कम। अरे ज्यादा रे, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया फीका घोल, सॉरी अरे हो गया गाढ़ा घोल। तो तुम फीका कब करोगे, जब बाहर से पानी मिलाओगे तब नहीं यार, तो वाटर का मॉलिक्यूल की तरह बढ़ जाएगा, तो सॉल्वेंट बढ़ गया और सॉल्यूट तरह कम हो गया रे, तो हो गया तेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मात्रा कम होता है। तो ऑस्मोसिस एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और यहाँ पर क्या पास होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहाँ से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो दोस्त यहाँ पे ये आपका कंटेनर था, इस कंटेनर में जो यहाँ पे बीच में है वो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ हमने दिया जो डाइल्यूट सॉल्यूशन डीएस, और एक तरफ ले लिया सीएस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो पास होने जा रहा है। अच्छा सुनिएगा, यदि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाना चाहता हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में, तो होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहाँ पर सॉलिड मॉलिक्यूल पास करता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल पास नहीं करता है, कहाँ से कहाँ, किसके प्रेजेंस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में। तब बोलिए दोस्त ऑस्मोसिस के डेफिनेशन, हाँ, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। हाँ, अब फिर से बोलते हैं ऑस्मोसिस कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन पास हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहाँ से कहाँ, किसके प्रेजेंस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में। तो होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो कंफ्यूजन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर आपका, ठीक है। जहाँ पर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोले ना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को लो कंसंट्रेशन बोला जाता है, और आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हायर कंसंट्रेशन बोला जाता है, समझे। तो आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव दे तो इस तरह का टर्म यूज करें, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा उस हालत में। अब मेरे पास नेक्स्ट है दोस्त ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है दोस्त, ऑस्मोटिक प्रेशर में आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे भाई चैप्टर खत्म होने वाला है, अच्छा कौन आ रहा, कौन आ रहा, छोड़ो ना, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पढ़े, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई, बोला पाई नहीं है, मैथ वाला 3.14/7 बोल नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह का प्रेशर है जिसका सिंबल क्या हो गया, पाई। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या होता है, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सुनिए, ये बर्तन है दोस्त,
यहाँ पर कंटेनर है, इस कंटेनर में जो बीच में रखा हुआ है आपको कौन सा मेम्ब्रेन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और लेफ्ट साइड में कौन सा सॉल्यूशन था? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और राइट साइड में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर जाता था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए मामले क्या होते हैं, यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों पिस्टन, ये आपका लग गया पिस्टन, पिस्टन पिस्टन बीच से हो गया प्रेशर। अब देखिए मामला यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अरे यार तुम लोग बीच में खाल बोलता है, तुम चुपचाप रहो यार, माय बाप तुम लोग बीच में बोलेगा तो हम कैसे बोलेंगे? अरे जैसे दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तुम नहीं समझता पढ़ाना कितना टफ काम है, तुम एहसास नहीं कर पाओगे। यहाँ पे डायल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमारा डायल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर आ रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के परजेस में, तो होने वाले प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते थे। आज देखिए क्या मामला है, तो जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहा था, जब हम इधर से प्रेशर देना चालू किए तो प्रेशर देने की वजह से जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगातार आ रहा था वो आना बंद हो गया। यहाँ पर जो आप मिनिमम प्रेशर दे रहे हो सॉल्यूशन साइड में मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुक जाता है, तो इसी मूवमेंट को रुकना ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, समझे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या हो गया? पाई। अब बताइए हमको डाइल्यूटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर जाता था? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, तो उसमें कौन पास हुआ था? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर से किधर? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट डायल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होता था, वह मूवमेंट होने क्या हो गया? बंद। तो वही जो मूवमेंट होना बंद हो गया तो वही मिनिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या हो गया? पाई। तो बोलिए द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड देन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टॉप्स इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है ना एक फॉर्मूला है, पाई बराबर आपका सी आर टी, पाई बराबर क्या है? सी आर टी, जहाँ पर पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहलाता है। फिर आर मिला, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, एक और होता है लीटर बार पर मोल पर केल्विन, एक और होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, समझे? अरे बहुत सारे वैल्यू होता है इसका, समझा? फिर यहाँ पे टी है, टी क्या हो गया? टेम्परेचर, टेम्परेचर किसमें लिखिएगा? केल्विन में, केल्विन में। अब बताइए पाई क्या है? ऑस्मोटिक सॉल्यूशन और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसका वैल्यू है 0.081 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, एक आपका लीटर बार पर मोल पर केल्विन, और एक है आपका 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टी क्या है? टेम्परेचर, किसमें? केल्विन में। तो बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई। हाँ, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आप लगा रहे हैं वह मिनिमम प्रेशर है कि मैक्सिमम प्रेशर? मिनिमम प्रेशर है। किधर लगा रहे हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, तो आप मिनिमम प्रेशर लगाना चालू किए तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर हो रहा था, तो वह मूवमेंट होना बंद हो गया कि होते रह गया? बंद हो गया। यहाँ पर मूवमेंट बंद हो रहा है कौन से प्रेशर की वजह से? मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर की मदद से। इसका मतलब ये भी आप बोल रहे हैं
जो होने वाला जो ऑस्मोसिस प्रोसेस था वो भी आपका क्या हो गया, स्टॉप हो गया, समझे। तो उसी मिनिमम प्रेशर क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई बराबर सीआरटी, जहाँ पर पाई क्या आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है टेम्परेचर इन द केल्विन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0.081 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। एक और बोलिए, 0.081 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। एक और वैल्यू बोलिए, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। अब बोलना चाल की दोस्त, हाँ, सबसे पहले हम आपको सेमी परमिएबल पढ़ाए थे, तो गैसीय मेम्ब्रेन जहाँ से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास करता हो, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सी पर सी पास करता हो, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास नहीं करता, तो ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाउ मेनी टाइप, दो टाइप, फर्स्ट नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। तो नेचुरल को कहाँ से ऑब्टेन करते थे, और सिंथेटिक को लैब से। तो लैब से ऑब्टेन करे तो कौन सा मेथड बोलिएगा, लेबोरेटरी मेथड। और यहाँ पे हाँ, अब बोल रहे हैं जो आपका सिंथेटिक है उसको कहाँ से ऑब्टेन करा, प्लांट और एनिमल से। तो सबसे फेमस मेम्ब्रेन कौन सा है, नेचुरल का एक मेम्ब्रेन, दूसरा एनिमल से, एनिमल से मेम्ब्रेन, तीसरा वेजिटेबल मेम्ब्रेन, कौन था पिक्स ग्लाइडर, अरे पिक्स वाला सुगर वाला है सोचा, और फिर आपका सिंथेटिक मेम्ब्रेन। तो सिंथेटिक मेम्ब्रेन आपका पार्चमेंट पेपर, दूसरा सेलो फेन, पहले बोलिए पार्चमेंट पेपर, दूसरा सेलो फेन, और तीसरा आपको कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। तीसरा हमारा दोस्त आज सेमी पर मेम्ब्रेन खत्म हो गया, ऑस्मोटिक फेरोसर खत्म हो गया, उसका नेचुरल और ये वाला खत्म, ऑस्मोसिस भी खत्म हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल एक दे रहे बनाना, ठीक है भैया, यहाँ पे दोस्त कॉजर आपको बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या था, पाई, और क्लोरीन का सिंबल क्या था, पाई। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल किधर किया जाता था, डाइल्यूट सॉल्यूशन से, तो जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस से, तब सॉल्यूशन साइड में आप पिस्टन की मदद से प्रेशर लगाए, उस प्रेशर से जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया थी वो रुक गई, उसी रुकने वाले प्रक्रिया क्या होते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई। फिर आगे बढ़े तो 0.15 मोलर जलीय घोल मिला, मतलब एक और सॉल्यूशन, तो मोलर को मिला मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टाइप है, कितना पर उतर गया 0.15 मोल, और आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना दिया गया 0.0821। टी आपका टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में लेना था, दिया किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए क्या करते थे, 273 जोड़ते थे, तो 0+273 कितना हो जाएगा 273 केल्विन। तो टेम्परेचर हमको 273 दिया, फाइनली जब वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, जीरो वहाँ अगर 10 रहता तो 273 और 10 जोड़ देते, हाँ 10 जोड़ देते, 25 8 298 हो जाता, इसी तरह थ्री पॉइंट 36 एटीएम। एटीएम क्यों लिखे, क्योंकि हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना ना, प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम बार पास्कल, तीनों होता पर्चम को भी यूज कर देगा, तैसे हालात तुम करवाइएगा नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, और एचजी करके होता है कौन से एचजी करके कुछ होता है, मर्क्यूरी, हाँ एमएम ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो बताए थे पिछले न्यूमेरिकल में, वही वाला बहुत कंफ्यूजन। तो यहाँ पे एक आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो बताए सबसे पहले मेरा पास आया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसका मिक्सचर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सॉल्वेंट को एक साथ क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन, देखिए आइसो है ना, आइसो का मतलब शेप,
क्या हो गया दोस्त? सेम। और टोनिक का मतलब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। टोनिक का मतलब क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो उसी को क्या बोलिएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए दोस्त दो बर्तन मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए बीच में आज चले दो बर्तन ले लेते यहाँ पे, एक बर्तन हो गया एक और बर्तन हो गया, हम बोले कि ये जो मेरा पहला बर्तन है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है, तो दूसरा में क्या होगा? पाई टू। मोल कंसेंट्रेशन सी वन है तो इसमें क्या होगा? सी टू। बोले यूनिवर्सल गैस प्रेशर आर है तो यहाँ पे आर टू नहीं होगा, ये तो यहाँ माने टी वन है तो यहाँ क्या होगा? टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है, गैस प्रेशर वेरिएबल कहाँ से होगा? जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे होगा, समझा? हाँ टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, रूम टेम्परेचर देगा तब कॉन्स्टेंट होगा, समझा? फिलहाल टेम्परेचर क्या देगा आपको? वेरिएबल। देखिए दो जब पाई वन बराबर पाई टू, सी वन बराबर सी टू, टी वन बराबर टी टू, तो ऐसी हालातों में डायल्यूटेड सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह मूव नहीं करेगा, और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन डायल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह मूव नहीं करेगा। सर आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपको होता है घर में आप देख रहे हैं पानी है, पानी के लेंथ दोनों तरफ इक्वल लेंथ में, तो देखते होंगे उसमें पानी ना तो इधर जाते हुए दिखता ना तो इधर से इधर आते जाते हुए दिखता, क्योंकि दोनों का लेयर क्या हमारा इक्वल है। इसी तरह कहा जाता है यहाँ पे कि पाई वन बराबर क्या हो गया? पाई टू। सी वन बराबर सी टू, टी वन बराबर टी टू। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हो उसे कौन सॉल्यूशन बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन बोलते हैं दोस्त? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्त एक बर्तन ले रहे हैं, इस बर्तन में दोस्त 0.16 मोलर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रहे। अब क्या किया? बाहर से इसमें आरबीसी डाल दिया, आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड एसिड। यहाँ पर बाहर से डाल दिया दोस्त आरबीसी। अब बोल रहे आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब जितना रेड ब्लड सेल के पास पाइवन है ना उतना ही तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड के पास पाइवन है, जितना सीवन आरबीसी के पास है उतना ही सीवन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के पास है, जितना आपका टी वन आरबीसी के पास उतना टी टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के पास है। यहाँ पर जो आरबीसी में रहता है फ्लूड, वो फ्लूड क्या होता है कि ना तो आरबीसी से बाहर जाता है और ना सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो आरबीसी के अंदर एंट्री करता है, यहाँ पर आरबीसी का साइज चेंज नहीं करता, जैसा साइज पहले था वैसा साइज अभी भी है। जब आरबीसी को 0.16 मोल सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में घुलाने का कोशिश कर रहे हैं तब, समझे बात? अब बताइए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम की डिफरेंट सेम, उसको कौन आरबीसी को कौन से सॉल्यूशन में घुलाने जा रहे हैं? 0.16 मोलर सॉल्यूशन में, किसको? आरबीसी को। आरबीसी में रहने वाला फ्लूड आरबीसी से ना तो मूव करेगा 0.16 मोलर सॉल्यूशन की तरफ, और 0.16 मोलर सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो ना मूव करेगा आपका आरबीसी की तरफ, तो आरबीसी का साइज ना बड़ा होगा ना तो छोटा होगा, क्या हो जाएगा? ना इधर चेंज मतलब कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कॉन्स्टेंट रहेगा बराबर। अब देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी दो प्रकार का, जिस तरह मेरे मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी दो प्रकार का है, एक है आपका हाइपर हाइपरटोनिक और एक है आपका हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक। देखिए दोस्त टोनिक का मतलब क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपर का मतलब हो गया मोर, हाइपर का मतलब हो गया हायर, हाइपर टेंशन, हाइपर का मतलब हो गया हायर, समझा? तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और देखिए हाइपो का मतलब हो गया लेस, हाइपो का मतलब लेस, और टोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर लेस हो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही कम हो, वैसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बताइए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर की हायर, और हाइपोटोनिक में लोअर।
हाँ बताइए यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म हायर की लोअर, यहाँ पर लोअर। फिलहाल हम दोस्त प्रेशर के बारे में बात करें, यहाँ पर कैसा प्रेशर? हायर प्रेशर। यहाँ पर लोअर प्रेशर। कौन सा सॉल्यूशन में? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाउ मेनी टाइप्स? पहला हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। टोनिक का मतलब और हाइपर का मतलब हायर। हाइपो का मतलब साइड लोअर और टोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का मात्रा ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का मात्रा कम हो उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए मामला दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन आपको बदल का हल्का समझ लीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्त, ये आपका हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर हम एक बर्तन ली, इस बर्तन में जो मेरा सॉल्यूशन है वहाँ आपका 1.0 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है। अब यहाँ कह रहे दोस्त ये मेरा हो गया RBC, ये क्या हो गया आपका RBC। हम बोले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, बताइए ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता हो, तो RBC का कहीं ना कहीं साइज घटने का पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखिए RBC जो रेड ब्लड सेल है इसके पास जो रहने वाला फ्लूड है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरह मूव कर जाता है। तो मूव करने की वजह से RBC इतना बड़ा है, यहाँ का फ्लूड जा रहा है धीरे धीरे साइज क्या कर श्रिंक कर जाएगा, समझे? RBC का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। जस्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है देखिए दोस्त, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है ये जो आपका सॉल्यूशन है ये हो जाता है दोस्त 0.01 मोलर सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। अब यह मामला क्या था देखिए, जहां पर हाइपरटोनिक में RBC का फ्लूर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरह मूव कर जा रहा था, तो हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है RBC की तरह मूव कर जाता है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर RBC का साइज क्या होता है? बहुत ही बढ़ जाता है। तो RBC का साइज बढ़ जाने की वजह से किसी किसी को सुनते होंगे कि किसी का नसें फट गया दिमाग का, इसके भी यही वजह है। हाँ RBC जो अरे रेड ब्लड सेल कहाँ पे है? तेरा घोड़ी का सिस्टम है रे, अरे तेरा घोड़ी के अंदर RBC प्लेटलेट्स पड़ा होगा। हाँ जान रहे, तो रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल यही आपका तो मेन मूवमेंट है, तो समझे? अरे यार बहुत बोलते यार, तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम की डिफरेंट सेम, जैसे प्रेशर क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाउ मेनी टाइप्स? पहला हाइपरटोनिक का, दूसरा हाइपोटोनिक। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, कौन सा प्रेशर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बताइए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में RBC को जब आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल रहे थे 0.16 मोलर में, तो RBC का साइज इंक्रीज कर रहा था कि डिक्रीज कर रहा था? ना इधर चेंज रे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, ना इधर चेंज, समझा? वहां पर किसी को मूवमेंट नहीं होता था। अब हम ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि RBC का जो फ्लूड है वो आपका 1.00 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाता, तो RBC का साइज क्या करता? डिक्रीज कर जाता। फिर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रहने वाला सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वह एंट्री कर जाता किस में? RBC में। तो RBC का साइज क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। इसी वजह से RBC का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में मूवमेंट को कुछ ना कुछ गड़बड़ाता है, समझे? नेक्स्ट टॉपिक आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो सबसे पहले आपको ऑस्मोसिस बताइए। ऑस्मोसिस ऑस्पोंटेनियस प्रोसेस की नाना ऑस्पोंटेनियस प्रोसेस। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन से मूव कर रहा था कि कौन से डाइल्यूट? डाइल्यूट किसके प्रेजेंस में? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में।
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस को प्यार से बोलते हैं आरओ, आरओ यही आपका आरओ है जो प्योर वाटर पीते हैं, यही आपका आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे काम क्या है देखिए दोस्तों, इसे काम है डीसेलिनेशन ऑफ वाटर, डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब यहाँ पे सी वाटर का मतलब हो गया समुद्री जल और डीसेलिनेशन का मतलब हो गया खारा पानी, डी का मतलब हो गया आ और सेलिनेशन मतलब लवणीकरण, अलवणीकरण मतलब समुद्री जल का अलवणीकरण। इसका मतलब ये हो गया कि समुद्र के जल में जो लवण पाया जा रहा है ना, उस लवण को हटाने के लिए जिस मेथड जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वही आपका रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, समझे दोस्त। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम लोग डिसेलिनेशन ऑफ सी वाटर करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारा कंट्री है जो सी वाटर के में बसा है, जो सी वाटर के बगल में बसा है, तो सब कैसे पानी पिएगा। अब बहुत सारे देश देखते होंगे कि आपका तेल खाली देता है, पानी में कुछ नहीं देता है, तो ऐसे हालातों में क्या आपका जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करता है, समझे, जो खारा पानी है खारा पानी को प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है, समझे, और वही पानी को पी के अपनी जिंदगी चलाता है। वो आरओ का मेथड वही लाया है, जो जो कंट्री है ना वो सब तो चिंतित तो होगा ना। अब मान लो तेले वाला कंट्री, वो तेल बेचेगा तो उसे बोलते पानी खरीदेगा तो उसका इकोनॉमी तो नहीं चलेगा, उसे पता चला कि अमेरिकी खरीदे उसका इकोनॉमी को, देश बिक जाएगा, रे देश में कंगाली आ जाएगा उस तरह। अब देखिए मामला डिसेलिनेशन सी वाटर, यहाँ पर मूवमेंट क्या देख लो, ये आपका बर्तन है, अच्छा से देखिएगा इस बर्तन, ये आपका जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन याद है ना एसपीए में आपका। अब यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पर हम लगाते थे ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे पाई लगाते थे ऑस्मोटिक प्रेशर तो देते थे मिनिमम प्रेशर, जो हम आप प्रेशर लगाते थे वह मेरा प्रेशर क्या जो था मिनिमम प्रेशर, चाहे एक्सटर्नल प्रेशर उसी को बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन जो आज हम मिनिमम प्रेशर लगा रहे ना वो बहुत ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में, बहुत ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में। ये हो गया मेरा दो सी वाटर, कौन सा वाटर हो गया आपका सी वाटर, और ये हो गया आपका फ्रेश वाटर, इधर कौन सा वाटर हो गया फ्रेश वाटर। अब देखिए मामला क्या होता है, तो हम बोलते थे कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करता था, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव किया लेकिन हम थोड़ा सा जब पिस्टन की मदद से सॉल्यूशन से प्रेशर लगाते थे तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। अब देखिए मामला क्या हुआ, वक्त बदला, आज ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ना, अब वो क्या करता, वो आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह मूव करने लगता है, वही आपका क्या करता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की तरह मूव करने लगता है। कब, जब दिया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से बहुत ही ज्यादा हो, तो हमारा खारा पानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है शुद्ध पानी में। इसी देखो यहाँ पे ऐसे निकाले, ये आपका हो गया पानी और यहाँ पे हो गया आपका बाल्टी, समझे, बाल्टी में इस तरह पानी आपका ऑब्टेन हो जाता है, तो कौन से मेथड से करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से, रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस से भी किया गया है डिसेलिनेशन ऑफ सी वाटर, कौन सा प्रोसेस डिसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो आप बताइए यहाँ पर जो आप प्रेशर लगा रहे हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से लेसर है, ग्रेटर है, मतलब इफ द सॉल्यूशन साइड मतलब दिया गया जो आपका प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरा सी वाटर किसमें बदल हो जाता है फ्रेश वाटर में, जो हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो होने वाले इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस तरह आपका दोस्त फूल एचडी में सॉल्यूशन पूरा तरीके से खत्म हो गया।